नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है देवभूमि उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कि आप आनंद उठाते हैं सभी कार्यक्रमों का अपनी बोली अपनी भाषा में दिल से। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे किस तरह से हम लोग अपना नव वर्ष मनाते हैं। आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस युग में इंग्लिश कैलेंडर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे भारतीय कैलेंडर का महत्व तो कम बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हमारे प्रत्येक त्योहार, व्रत, विवाह और अन्य जितने भी शुभ कार्य होते हैं, उन सभी के शुभ मुहूर्त भारतीय कैलेंडर यानी कि हिंदू पंचांग के द्वारा देखे जाते हैं। भारतीय सनातन पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि को मनाया जाता है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है, यानी कि नया साल। एक वर्ष यानी कि 12 माह का समय संवत्सर कहलाया जाता है। चैत्र माह में चारों ओर हरियाली होती है और नए नए फूल भी खिलते हैं। चैत्र माह में ही फसलों की कटाई भी की जाती है। नया अनाज घर पर आता है और घरों में रौनक भी रहती है। इस दिन बच्चों को नए कपड़े और मिठाइयाँ भी दी जाती हैं। चैत्र माह में प्रकृति उत्सव मनाती है और उनमें हम सब भी शामिल हो जाते हैं। हिंदू नववर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा को मनाने के पीछे कई घटनाएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि चैत्र माह की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई थी। इसी दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई। इसी दिन प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया गया। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश में उगादि पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से ही चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ किया जाता है। इसी दिन स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई। इसी दिन महर्षि गौतम जयंती मनाई जाती है। इसी दिन सिखों के द्वितीय धर्मगुरु श्री अंगद गुरु जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी दिन ही बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में आज से ही बिखौती का त्यौहार भी मनाया जाता है। आज ही के दिन देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। आप लोग मुझे भी ये जरूर बताएं कि आपके राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। इस बार 13 अप्रैल 2021 यानी कि विक्रम संवत 2078 को हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो अभी भी 2021 ही चल रहा है, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार 2078 शुरू हो गया, यानी कि हम अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हैं। ब्रिटेन की संसद में 1835 में कहा गया था कि भारतीयों को तब तक गुलाम बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उनको उनके गौरवशाली इतिहास से दूर न किया जाए, और आज के समय कहीं न कहीं ये सब हमको देखने को भी मिलता है। हम सब अपने सनातन धर्म और अपने त्योहारों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है और ज्यादा रुचि भी नहीं दिखाते। वहीं बात की जाए 1 जनवरी को तो हम लोग नया साल धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ तक कि एक दिन पहले ही सबको नए साल की बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपना हिंदू नववर्ष मनाने में हम ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। आइए अपने धर्म और संस्कृति को बचाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हिंदू नववर्ष किस तरह से मनाया जाता है। आप एक दूसरे को बधाई संदेश दें। अपने घर के दरवाजों में आम अशोक के पत्तों की माला से उसे सजाएं। घर में सफाई कर रंगोली बनाएं और फूलों से सजाएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें और अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। घर और मंदिरों में जाकर दीप जरूर जलाएं। दिवाली के जैसा उत्सव मनाएं और घरों में मिठाइयां भी बनाएं। इस नववर्ष के उत्सव को खुशी खुशी मनाएं। आप सभी अपने दोस्तों और परिजनों को अपने इस नव वर्ष के बारे में जानकारी जरूर दें और अच्छे से इस दिन को मनाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।